कृष्ण भक्ति के प्रांगण में आइए हम सब भक्ति में सराबोर हो जाए। जी, ये बहुत ही विरले ऐसा मौका मिलता है जब बहुत सारे यहाँ पर कलाकार बैठे हैं और उनके समक्ष एक अभिनेत्री, नृत्यांगना और सांसद अपने स्वर में, अपने स्वर से कृष्ण आराध्य को अपनी भक्ति में बना दिया है उन्होंने। और थोड़ी देर के बाद में हम डांस ड्रामा भी उनका देखेंगे, डांस बैले देखेंगे, जिसमें वो पूरी तरह राधा के रूप में आप डूब जाती हैं भक्ति में। जोरदार तालियां एक बार इस सीरी के रिलीज के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं, जैसा कि नारायण अग्रवाल जी ने कहा कि आध्यात्मिक दूत हैं आप, और जो भी काम करते हैं आप लोग बैठ सकते हैं प्लीज, और जो भी बीड़ा उठाते हैं, जो भी काम लेते हैं, अपने कर्म को पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तरह से उसे उस चरम सीमा तक पहुंचाते हैं, जैसे कि उन्होंने यहाँ पर भक्ति कला क्षेत्र के जरिए किया और खारघर में विशेष तौर पर एक बहुत ही खूबसूरत और भव्य मंदिर का निर्माण में वो लगे हुए हैं लगातार एक साथ। सूरदास जी ने कह दी और जो बची कुची बातें थी वो अग्रवाल जी ने कह दी, और जितना भी आप सुनना चाहते थे आप सब सुन चुके, तो कोई नई बात कहने अगर जाऊंगा तो बोले कोई ओजी अब बात कहो जिसे हमने सुनी नहीं हो। तो गौरी जी को नमस्कार, खुराना जी, खुराना साहब आपको बहुत बड़ा नमन हमारा, आपने बहुत महान काम किया महाराष्ट्र में। जहाँ तक बात है डिस्ट्रिक्ट गेस्ट सबको मेरा नमन है, सभी को मैं देख रहा हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। हर्षा भाभी को बहुत नमन और मेरी वाइफ को बहुत नमन, वो भी हैं। जहाँ तक सवाल है ये अवसर का, ये अवसर बड़ा महान अवसर है मेरे लिए, खास करके आपके लिए तो है। सुधा जी ने एक छोटी सी बात कही, मैं बिफोर एस पी बड़े हेमा जी के 14 साल की उम्र में मैं इस पावन मिट्टी यहाँ आया था, मैं 14 साल की उम्र, आई वॉज ओनली 14 जब इफ सुधा जी विल करेक्ट मी मंदिर का निर्माण होना शुरू हुआ था। आई वॉज ओनली 14 और हम क्रिकेट खेलते थे, भागे भागे आते थे, संडे आई सॉ समथिंग बिग मेड हियर। वो दिन और आज का दिन है, मैंने कभी यहाँ से अपनी आंखें दूर नहीं की। अगर मैं अन्नू मलिक बना हूँ जो थोड़ा बहुत नाम कमाया है, वो कृष्णा जी की कृपा है, और मैं अपने कृष्णा जी को नमन करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक तूफान आया, आया और गया जब मैंने कृष्णा जी का नाम लिया। बचपन में जब मेरा बिल्कुल नाम नहीं था, मैं 18, 19, 20 साल के बीच में आ चुका था, संगीत का बड़ा शौक था। उस वक्त हम लोग शूटिंग्स देखते थे, हेमा जी को तो पता ही नहीं होगा, हम देखते थे जब उनकी शूटिंग्स कभी जूह में होती थी, किधर होती थी, हम देखते थे। और ये वही शख्स है, राधे राधे बोलती हैं, जिनको मैं जितना नमन करूं इसलिए कम है क्योंकि इन्होंने मुझे उस वक्त सहारा दिया था जब मेरा ए अन्नु का ए नहीं था। उन्होंने अपनी पहली प्रोडक्शन मार्ग में मुझे बुलाया था और एज ए कंपोजर मुझे चुना था। ये हेमा जी वही है। अभी अभी हेमा जी का फोन आया, हेमा जी ने कहा कि अचानक फोन किया, अन्नो फोर्थ आई सेड आई एम कमिंग। अरे एक इरिंग में फोन उठाया तुमने और तुम आ भी रहे हो, मैं बोला सब कैंसिल। जब हेमा जी का फोन आता है तो हेमा जी का फोन आता है। उस वक्त कोई भी काम हो, कहीं भी जाना हो, अगर आउट ऑफ इंडिया भी जा रहे होते हैं तो हम लोग डिले कर लेते हैं, ऐसे उनको पता नहीं। दो बार मैंने डिले भी किया था, आई टोल्ड माय वाइफ आई एम डिलेइंग द फ्लाइट। हेमा जी का फोन आया जब ईशा की शादी होती थी और वो यहीं हुई थी। हेमा जी इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू मी इन मोर वेज देन वन। जिंदगी में क्या नाम कमाया, कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया, तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है। मैं वो खुशनसीब इंसान हूँ जिन्होंने इनकी माँ के पाँव छुए, मामा के पाँव छुए, आंटी जी जो मिलते थी, गरम गरम रसम मिलता था उनके घर में। और आज हेमा जी आफ्टर बीइंग सच एन एकम्प्लिश्ड डांसर, एक्टर, अ पॉलिटिशियन, कृष्णा जी में तल्लीन हो चुकी है, राधा माँ में तल्लीन हो चुकी है, उन्होंने गाना शुरू किया है। और जैसे सूरदास जी कह रहे थे, हर वक्त हर पल वो कंट्रीब्यूट करती है। शी इज एन एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ अस हाउ टू लिव लाइफ टू द फुलेस्ट बाय प्रेजिंग द लॉर्ड कृष्णा।
और मैं हिमा जी इतना बताना चाहता हूँ, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग, मैं पूरे भजन सुनूंगा। मैं नारायण अग्रवाल जी आपको मैं बहुत नमन करता हूँ, यू नो आपने गाने लिखे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई मैं और भी लिखता हूँ, लेकिन मैं बहुत उत्सुकता से ये सुनूंगा क्योंकि इसमें हिमा जी ने गाने गाए हैं। मैं हिमा जी की आवाज़ सुनना चाहता हूँ और मैं इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि हिमा जी जब किसी काम के पीछे पड़ती है तो काम पूरा हो जाता है। दैट इज हिमा मालिनी जी, द ग्रेटेस्ट इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस फॉर व्हाट एवर यू बिकम इन लाइफ। एंड जितनी तारीफ करूँगा मैं, और इन्होंने ये भी बताया कि आप कृष्णा जी में लीन हो जाइए। जब मैंने तूफान की बात की थी, मैं बांके बिहारी गया, वहां मैंने नमन किया और कृष्णा जी सामने प्रकट हुए और जा उन्होंने कहा तेरा काम शुरू। फिर वही कृष्णा जी है, उनकी कृपा से मैं आज अनु मलिक उसी मंच पर खड़ा हूँ और यहाँ आपसे बातें कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कृष्णा जी मुझसे बुलवा रहे हैं। हरे हरे कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे। हिमा जी कॉन्ग्रेचुलेशंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू द सॉन्ग्स एंड व्हाट एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज टू कम हियर एंड इनॉग्रेट दिस इवेंट। थैंक यू सुधा जी, थैंक यू वेरी मच। देना चाहती हूँ आदरणीय श्रीमती हेमा मालिनी जी को। हरे कृष्णा, राधे राधे। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के इस पावन समय पर हम लोग एकत्रित हुए हैं भक्ति कला क्षेत्र में, और इस मंच पर उपस्थित भक्ति कला क्षेत्र के इस्कॉन जुहू के प्रमुख व्यक्ति आदरणीय सूरदास प्रभु जी, जिनकी वजह से पिछले कई सालों से मुझे यहाँ पर नृत्य करने का अवसर मिला है। न सिर्फ मैं, अभी हिंदुस्तान के जितने भी बड़े बड़े कलाकार सबको यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस करने का समय मिला, और उनमें से कई लोग आज नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन उनकी यादें हैं, उनकी आवाज़ भी आप इधर गूंज रही है। यू कैन हियर देम इवन टुडे। सो दैट्स अ ब्यूटिफुल थिएटर दिस इज, और सूरदास प्रभु जी इसका बहुत अच्छा देखभाल कर रहे हैं, और ऊपर से एक बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लिया है, कार्य लिया है, कारघार में इतना बड़ा एक मंदिर बना रहे हैं जिसका उद्घाटन बहुत जल्द होने वाला है, जिसका बहुत इंतजार है हम सबका। एंड विथ वेरी डिफिकल्ट टू मेक वन आफ्टर द अदर सो मेनी टेम्पल्स विच ओनली सूरदास प्रभु जी कैन डू, बिकॉज कृष्णास ग्रेस एंड प्रभुपादा जी ग्रेस इज ऑलवेज देयर विद हिम। And with all the devotees who are fond of Lord Krishna, he is always there with us. और हमारे फिल्म जगत के बहुत ही प्रसिद्ध लोकप्रिय यंग एंड टैलेंटेड अनु मलिक जी, जिनको जिन्होंने मुझे अभी बताया कि हमने जो पिक्चर बनाई थी मार्ग और अवारगी, दोनों पिक्चर में हमने I wanted him to give the music. And he gave wonderful, such beautiful music that I was really mesmerized. Upar se, aur bhi bahut sare picturon mein bhi mera gana diya hai. So I have very fond memories of him. He's a lovely, wonderful person. We have interacted in many times. And thanks for talking so much high about me. Narayan Agrawal ji, Kavi Agrawal ji, jo itna sundar likhte hain, जिन्होंने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मुझे गाना भी गाना चाहिए। तो मैं तो पहले जब मेरे पास आए कि आठ भजन गाना है तो मैं शॉक हुआ मुझे कि आठ भजन मैं एक भी नहीं गा सकती हूँ, मेरे से आप आठ गाना। और ऊपर से इट्स ऑल कंपोज्ड बाय ग्रेट म्यूजिक मास्टर्स, उन लोगों से करवाया, आठ गाना मैंने गाया। तो थैंक्स टू यू, यू मेड मी डू दैट। एंड कुराना जी and Gauri ji, from times she's always inspired me to sing lot of Sanskrit shlokas and all. So aur yahan par upasthit aap sabhi krishna bhakton, aap sabko mera pranam. Aur main ek nrityangna hu aur film jagat mein bahut acha naam banaya hai as abhinetri, aur is waqt main pichle 10 saal se
सांसद बनकर मथुरा क्षेत्र की निर्माण वो सब देखभाल कर रहे हैं, ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं और इतनी खुशी मिलती है मुझे वो ये सब काम करते हुए। लेकिन इसके बीच में नारायण जी इज़ द वन पर्सन हु कम्स एंड टेल्स मी दैट आप हर साल एक गाना लेकर आते हैं और बोलते हैं आप गाइए उसको। तो आई केप्ट टेलिंग हिम आई एम नॉट अ सिंगर बट ही सेज ही इंसिस्टेड एंड देन आई एंजॉयड सिंगिंग इट, जितना भी हो सके मैंने गा लिया। एंड थैंक्स टू विवेक प्रकाश जी हु इज द वन हु विल कम एंड सिट विद मी, मेरे से रिहर्सल करवाएंगे, वेरी वेरी स्वीटली ही विल मेक मी even if it is difficult he will make me sing very comfortably, he will make me and then uske baad uska pura music banne ke baad mujhe suna dete to acha lagta tha, it was not bad so I used to feel it is going to be very bad, you know I'm very nervous ki pata nahi kaisa hai, lekin it's not bad, okay chalega, so I'm sure you will also like it aap zarur suniye and Gauri ji has always made me sing such wonderful songs. एक चैतन्य महाप्रभु जी का शिष्टाष्टकम है which is very very difficult, so that also I sang, so I'm very happy that I'm able to do some seva in singing also, so I hope I continue to do that. और आज शाम को अभी हमारा कार्यक्रम है राधा राज बिहारी भी, मुझे अभी राधा बन के आना है आप सबके सामने, तो मैं ज़्यादा I don't want to talk much. So thank you so much for all these blessings of Lord and let the Lord be with all of us always. Please, can we play the AV? हाँ, उससे पहले कार्यक्रम समाप्त हो उससे पहले हम चाहेंगे गौरी जी का भी सम्मान पुष्पगुच्छ देते हुए करना चाहेंगे। आदरणीय कवि नारायण अग्रवाल जी, हमने आपकी बात सुनी है कि आपने किस तरह से शब्दों को पिरोया और लोगों तक ये डिवोशनल एल्बम को पहुंचाया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, सबसे पहले यहीं पर हूं। इस महामंत्र को हम सबसे पहले उच्चारित करेंगे, उद्घोष करेंगे और उसके बिना जीवन हमारा अधूर्ण है, अधूरा है। तो प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। भक्त बंधुओं और अतिथिगण, रसिक बंधुओं, ये क्षण जो है मेरा नहीं है ना हमारा है, ये क्षण है भगवान श्री राधा कृष्ण और उस क्षण के लिए जब जन्माष्टमी का पर्व आता है तो हम साल भर तक इस प्रतीक्षा, इस उत्सव की प्रतीक्षा करते रहते हैं और इस उत्सव में हम लोगों से जो भी हो सकता है उसमें श्रीमती हेमा मालिनी जी और मैं दास नारायण अपने काव्य के द्वारा जो भगवान की कृपा से प्राप्त होता है उसको भगवान के चरणों में तो संबोधन इस प्रकार से करते हैं कि सर्वगुण संपन्न सांसद, सर्वलोकप्रिय, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम की नृत्यांगना और जन जन की लोकप्रिय श्रीमती हेमा मालिनी जी, हेमा जी ने कहा सो लॉन्ग, आपके साथ जो इतने पद लगे हुए डॉक्टर का, डीलिट का, कितने सारे कार्यक्रम आपके साथ हैं, क्योंकि मैंने सर्वगुण संपन्न कहा है, मैंने ना तो स्वर्ण सुंदरी कहा ना स्वप्न सुंदरी कहा, वो तो
सर्वगुण संपन्न की एक शाखा है। ये तो जब सर्वगुण संपन्न भगवान ने आपको कृपा करी है तो इसके अंदर सभी कुछ आ जाता है। भारतीय पार संगीत के उज्जवल नक्षत्र अपनी विशिष्ट शैली से और एक कप चाली एक कप प्याली चाय पर सारा काम निपटा लेने वाले आप समझ सकते होंगे मैंने क्यों कहा ऐसा। लंच की डिनर की तो बात ही नहीं। जिन्होंने भारतीय पार्श्व संगीत में एक ऐसा स्थान दिया है विशिष्ट स्थान दिया है जो जन जन तक लोकप्रिय है हर घर में लोकप्रिय है। यही नहीं आप जिसे हम छोटा पर्दा कहते थे वो बड़ा पर्दा हो गया उसके जज के रूप में आपने इतनी सारी प्रतिभाओं को देश को दिया है कि जिसमें हमें भारत के संगीत का बहुत उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ता है शास्त्रीय संगीत का और लोक संगीत का और पार्श्व गायन का। श्री अनुमृत जी भारतीय अध्यात्म के दूत प्रतिमूर्ति हमारे पथ प्रदर्शक हमारे शुभचिंतक हम सब लोगों के लिए आध्यात्म के क्षेत्र में एक नए मंदिर का निर्माण खारघर में करने वाले साथ ही जिस स्थान पर हम बैठे हैं जहाँ से मैंने अपना जीवन प्रारंभ किया भक्ति कला क्षेत्र जहाँ उनका विश्वास प्रेम स्नेह आशीर्वाद सब प्राप्त हुआ और आपके साथ और आपके नेतृत्व में जुड़ करके भक्ति संगीत के द्वारा भक्ति काव्य के द्वारा धीरे धीरे लगभग 1000 पद भगवान श्री कृष्ण के भगवान ने रचित करा लिए और कुछ नहीं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हमारे अनुराध्य श्री भगवान श्री राधा कृष्ण। न तो मैं सीरियल में लिख पाता हूँ ना मैं फिल्मों में लिख पाता हूँ जबकि बहुत से आग्रह आते हैं न किसी व्यक्ति विशेष के लिए कर पाता हूँ तो भगवान की कृपा है कि ऐसे अध्यात्म की मूर्ति इस ग्रेस सूरदास जी जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और जिनके आध्यात्मिक चेतना और वातावरण में हम आज हैं मैं उनको अभिनंदित करता हूँ सदा अभिनंदन हमारा उनके प्रति रहा है। और भारत रत्न अंबेडकर तथा महाराष्ट्र रत्न से गौरवान्वित और पद्म भूषित श्री लक्ष्मण खुराना जी जो IDBI 8 बजे जो ग्रुप है जो संस्था है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ। गोदी आजवकर जी हमारे बीच में आगे मैं उनसे निवेदन करूँगा कि स्थान लें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका स्वागत करते हुए आप सबका अभिनंदन करते हुए और आप सबका स्वागत करते हुए हमारे बीच में श्री अशोक पुष्करा जी बैठे हुए हैं और माननीय श्रीमती हर्षा अशोक हिंदुजा जी आए हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारे मित्र संगीतकार गीतकार और गायक बैठे हुए हैं श्री वासवानी जी हमारे बीच में आए हुए हैं घनश्याम वासवानी जी उनका स्वागत करता हूँ। सुंदरी ठाकुर जी आए उनका स्वागत करता हूँ। हाँ अशोक कुशला जी कहा ना मैंने अशोक कुशला जी मैंने कहा और दोनों गजल के क्षेत्र में आज देश विदेश में एक अपना स्थान बनाए हुए हैं और श्रेष्ठ स्थान है उनका। गजल मैंने कहा बस दरअसल आप भजन गाते हैं तो गजल आपकी जीविका का एक साधन बन जाता है पर आपकी आत्मा में हृदय में भजन ही समाहित है और दोनों का करियर कहना चाहिए जीवन यहीं से प्रारंभ हुआ है ये सत्य है ना। तो आप सबका स्वागत करके और जहाँ तक जिन लोगों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका स्वागत करते हुए श्री विवेक प्रकाश जो इस समय विदेश में है जिन्होंने इसका सुंदर संगीत किया है उनके प्रति भी मेरा आभार है यहाँ पर बैठे हैं उनको आशीर्वाद है मेरा। वही शब्दों के साथ मैं
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्रीमती गौरी यादवाकर जी जो टाइम्स की